वैसलीन एक ऐसी क्रीम है जो आपके पूरे चेहरे, हाथ पैर, फटे एड़ियां सब में इस्तेमाल की जा सकती है, साथ ही सर्दियों में स्किन का अच्छे से ख्याल रखती है। आप लोगों को जानकर इस बात से हैरानी होगी कि वैसलीन की खोज गलती से हुई थी, जब साल 1859 में रॉबर्ट चीज़बर्ग जो एक केमिस्ट थे, जो अपनी रिसर्च के किसी काम के लिए जहाज से यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि जो जहाज में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जहाज के ऑयल पाइप को साफ करने के दौरान निकले गए रॉड वैक्स को अपने घाव और चोट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने वर्कर के साथ बातचीत की और इस दौरान उन्हें पता चला कि रॉड वैक्स लगाने से कुछ ही दिनों में घाव ठीक हो जाते हैं। ये सुनने के बाद रॉबर्ट के दिमाग में ख्याल आने लगा कि उस वैक्स में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से घाव ठीक हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने उस पर रिसर्च करने की सोची। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये खोज इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी सारी रिसर्च को छोड़कर उस रॉड वैक्स को लेकर ब्रुकलिन आ गए और उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला इस वैक्स का असली रूप पेट्रोलियम जेली है, जिसके अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं कि किसी भी तरह के छोटे मोटे घाव और ठंड से त्वचा के रूखेपन को ठीक करने की अच्छी खासी क्षमता रखते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने साल 1872 में वैसलीन नाम के प्रोडक्ट का निर्माण करना शुरू किया। इसका नाम दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, वैसर और एलियन। वैसर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पानी, एलियन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है जैतून का तेल। और वैसलीन का काम भी कुछ ऐसा ही है, जैसे पानी शरीर को हाइड्रेट करता है वैसे ही ये त्वचा को हाइड्रेट करती है। जैतून का तेल त्वचा के रूखेपन को दूर करता है, वैसे ही वैसलीन त्वचा को हाइड्रेट और हील करने का काम करती है। और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें ना कोई खुशबू होती है और ना ही रंग। ऐसा कहा जाता है जब तक रॉबर्ट जिंदा रहे वो रोजाना एक चम्मच वैसलीन खाते थे, उन्हें वैसलीन पर अटूट भरोसा था। जब रॉबर्ट 50 साल के थे तो उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसका नाम था प्लोरेसी। इस बीमारी से उस इंसान को फेफड़ों में काफी दर्द रहता था और सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती थी। उन्होंने अपनी देखभाल करने वाली नर्स से कहा कि वो उनके पूरे शरीर में वैसलीन को लगा दे और उन्होंने ऐसा अपने ठीक होने तक रोजाना करवाया। और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय वैसलीन को दिया। ये ही नहीं, शुरुआत में जब वैसलीन लोगों की पहुंच से दूर थी तो रॉबर्ट लोगों के सामने अपना हाथ जला लेते थे और उस पर वैसलीन लगाकर उसे ठीक करके दिखाते थे। उन्होंने इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से वैसलीन जेली के लिए मार्केट के दरवाजे पूरी दुनिया में खोल दिए। काफी सफलता मिलने के बाद साल 1987 में यूनिलीवर ने वैसलीन के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन खरीद लिया और तब से आज तक यूनिलीवर ही वैसलीन की मैन्युफैक्चरिंग कराती आ रही है। वैसलीन आज अमेरिका के पेट्रोलियम जेली के बेस्ट प्रोडक्ट की बड़ी ब्रांड है। पूरी दुनिया में आज वैसलीन के अलग अलग प्रोडक्ट जैसे फेस क्रीम, सोप, बॉडी लोशन बहुत फेमस है और वैसलीन को लेकर बहुत से टीवी पर एड भी आए हैं और ये काफी हिट भी हुए थे। आज वैसलीन के बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये लगातार अच्छी कमाई कर रहे हैं। इतने सारे दुनिया में प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी वैसलीन की एक छोटी सी डिब्बी सारी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और अगर भारत की बात करें तो लगभग हर घर में वैसलीन की एक डिब्बी जरूर होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।